exercise example 2.9. Explain what would happen if the capacitor given in exercise example 2.8, a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6, were inserted between the plate. First, while the voltage supply remained connected. Second, after the supply was disconnected. Clear? Now, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2.8 एक्सरसाइज 2.8 के अंदर से हमें ये बातें पता है. कैपेसिटर कितना है, उसका आंसर आता है 18 पिको फैराडे. इनिशियल चार्जेस कितने हमारे पास, 18 इंटू 10^-10 कूलम. डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6 का. अब देखिए यहाँ पर जो पहली बात हमको पता करनी है वो है कि व्हेन सप्लाई इज कनेक्टेड. तो देखिए व्हेन सप्लाई इज कनेक्टेड. देखिए तो जब सप्लाई कनेक्टेड हो गया होगा तब क्या होगा. देखिए व्हेन सप्लाई इज कनेक्टेड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स रिमेन्स सेम. देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा. दैट इज V is equal to 100 volt. Clear? But due to dielectric, that is of mica, right, which we are introducing instead of plate, right, its capacitance increases. Its capacitance increases. देखिए कैसे increase होगा. तो नया कैपेसिटेंस जो होगा C इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू सी नॉट होगा. अब देखिए K हमें कितना दिया है, 6, राइट. देखिए डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है और कैपेसिटेंस इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है, 18 पिको फैराडे. तो यहां पर हम 18 पिको फैराडे लिखेंगे, राइट. 18 6 108 पिको फैराडे हो जाएगा. क्लियर, ये होगा हमारे लिए नया कैपेसिटेंस. चलिए कैपेसिटेंस हमें मिल गया. अब देखिए बात करें चार्ज की, चार्ज में क्या चेंज आएगा. देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज Q इज इक्वल टू क्या होगा. देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू वी होगा. आप देख रहे हैं C इंटू वी होगा. चार्जेस हमारा कैपेसिटेंस कितना है, 108 पीको फैराडे. तो 108 पीको मीन्स 10^2, इट इज -12 इंटू वोल्टेज कितना है हमारे पास, 100 वोल्ट. तो यहाँ पर 10^2 लिख देंगे, इट इज 108 इंटू 10^-10 कूलम. ये होगा चार्ज हमारे लिए. क्लियर, तो ये होगा चार्ज और ये होगा कैपेसिटेंस व्हेन सप्लाई इज कनेक्टेड. क्लियर, चलिए अब हम बात करेंगे व्हेन सप्लाई इज डिसकनेक्टेड. तो देखिए उसके लिए हम बात करेंगे व्हेन सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, राइट. देखिए बी व्हेन सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, राइट. सो व्हेन सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, देखिए चार्जेस बिटवीन टू प्लेट्स रिमेन सेम राइट. अगर हम सप्लाई बंद कर देंगे तो क्या होगा, दो प्लेट के बीच में चार्ज सेम रहेगा, चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. क्लियर, तो चार्ज हमारे पास कितना रहेगा, राइट. दैट इज व्हिच इज क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट व्हिच इज इक्वल टू इट इज 18 × 10^-10 कूलम, राइट. ये चार्ज हमारे पास रहेगा, चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा. बात करें कैपेसिटेंस की, तो देखिए कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, के इंटू सी नॉट लिखेंगे. कैपेसिटेंस की वैल्यू, डायलैक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है, 6. क्लियर, कैपेसिटेंस सी नॉट इनिशियली कितना है, 18 पीको फैराडे. तो 18 पीको फैराडे, राइट. 18 सिक्स इट इज 108 पीको फैराडे हो गया ये. चलिए तो कैपेसिटेंस यहां पर भी 108 पीको फैराडे आएगा. क्लियर, चलिए चार्ज हमें पता चल गया.
लेकिन यहां पर देखिए सप्लाई डिस्कनेक्ट करने से नया पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, राइट। देखिए तो नया पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस इज V इज इक्वल टू V बाई K हो जाएगा। देखिए V इज इक्वल टू V नॉट बाई K हो जाएगा। इनिशियल सप्लाई हमारे पास कितना था, 100 वोल्ट था, डिवाइड बाई K कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इट इज 16.6 वोल्ट हो जाएगा, राइट। ये होगा हमारे लिए नया पोटेंशियल व्हेन सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, क्लियर। थैंक यू।